बगल का पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, उसकी क्या आवश्यकता है? ये बुद्धि की शिक्षा में स्वयं प्रेरणा देता है, क्योंकि बुद्धि की शिक्षा जो कुछ भी है वो सब निगेटिव नहीं है, फोर्स नहीं है, इसमें स्वीकारता है। जो कुछ भी शिक्षा है वो स्वीकार है, और जहां स्वीकार है इसका मतलब कि जो सुन रहा है, जो शिक्षा सुन रहा है, वो उसके जीवन की आवश्यकता है, वो आवश्यकता से वो जुड़ जाता है। तो जैसे जैसे जुड़ना शुरू होता है, वैसे वैसे मानव एक दूसरे के प्रति उसका जो व्यवहार है वो कटुता भरा नहीं रहता है, द्वेष भरा नहीं रहता है, एक बड़ा ही उत्तम माहौल बनना शुरू हो जाता है। वो उत्तम माहौल हम कह सकते हैं मैत्री का माहौल, मुदिता का माहौल, जहाँ हर चेहरे पर मुस्कान होती है, हर चेहरे पर जो है आपको मैत्री का भाव होता है, शांति का भाव होता है, हर आदमी दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। तो वो समाज में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता है, कोई प्यासा नहीं रह सकता है, सबको समान अवसर बुद्ध की शिक्षा में आने पर स्वयं ही वो महसूस होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा की विशेषता है।